हे गाइस, ब्यूटी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं जीत और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 7 दिनों में 10 किलो वज़न कैसे घटाएं। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ आपको ड्रिंक बताऊंगा और कुछ एक्सरसाइज और कुछ सावधानियां, जिसकी मदद से आप 7 दिनों में 10 किलो वज़न घटा सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमारा वज़न क्यों नहीं घट पाता, ये कुछ हमारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपना वज़न नहीं घटा सकते। सबसे पहला कमियां होती है सही डाइट का ना होना, सही जानकारी का ना होना, अनहेल्दी चीज़ें खाना, प्रोटीन और विटामिन की कमी और कुछ बीमारियाँ जिसकी वजह से हमारा वज़न नहीं घटता। आज हम इस वीडियो में कुछ आपको सही चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे ड्रिंक बताने वाला हूँ जिसकी अगर आप जिसका सेवन रेगुलर करोगे तो यकीन मानो आप 7 दिनों में 10 किलो अपना वज़न घटा सकते हो। और ये भी बहुत आसानी से, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिंपल चीज़ें बताऊँगा और सिंपल एक्सरसाइज जो आप आसानी से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो जो हमारा पहला ड्रिंक है, पहला ड्रिंक को हमें कैसे बनाना है, आपको पहले अजवाइन लेना है 1 चम्मच और 1 गिलास पानी लेना है। उसमें अजवाइन को डालना है और किसी टब में अजवाइन को उबाल लेना है। उबाल के इसे छान लीजिए और छान के इसे पीजिए, कम से कम 3 टाइम पीजिए हर रोज। आप देखोगे कि आपका वज़न तेज़ी से घटने लगेगा। दूसरा हमारा ड्रिंक है, दूसरा ड्रिंक हम कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच आपको सौंफ चाहिए और 1/2 लीटर पानी चाहिए। सौंफ को 1/2 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रख दें और सुबह इसे छान कर इसका पानी निकाल लीजिए और पीजिए। आप इसे सुबह खाली पेट पीजिए, दोपहर में पीजिए और अगर बच जाए तो इसको शाम को भी पीजिए। आप देखोगे कि आपका वज़न घटना शुरू हो जाएगा और 7 दिनों के अंदर ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगला जो हमारा ड्रिंक है, उसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 लीटर पानी। दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद इसे छान लेना है और छान कर इसे पीना है। दिन में 4 टाइम या 5 टाइम इसे आप पीजिए, आपको फ़र्क खुद ही नज़र आने लगेगा 1 महीने के अंदर। अगला बात करेंगे हम एक्सरसाइज। देखिए, ड्रिंक पीने से ही सिर्फ आपका वज़न नहीं घटेगा, अगर आप तेज़ी से वज़न घटाना चाहते हैं, वो भी 7 दिनों में 10 किलो वज़न घटाना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करना है और डेली करना है, ये नहीं कि कुछ दिन किए और फिर स्कीप कर दिए। ऐसे करने से आपका वज़न नहीं घटेगा। तो पहला एक्सरसाइज हमारा है सीढ़ी चढ़ना। आप जानते हो कि अगर सीढ़ी चढ़ने से आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटता है और आप 7 दिनों के अंदर 10 किलो क्या उससे ज़्यादा भी वज़न घटा सकते हैं अगर आप रेगुलर सीढ़ी चढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 मिनट टाइमर सेट करके आप सीढ़ी पर चढ़ें और उतरें। रिवर्स नहीं होता तो इसे रिवर्स करना है, आपको पहले चढ़ना है फिर उतरना है। ऐसा आप 1 महीने तक रोज़ाना करो और उसके बाद जाके अपना वज़न चेक कराओ, आपको खुद ही आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आने लगेगा। दूसरा हमारा है जंपिंग जैक। आपको रोज़ाना 2 मिनट का टाइमर सेट करके जंपिंग जैक करना है। जंपिंग जैक करने से आपका वज़न तेज़ी से घटता है और इससे ये लाभ होता है कि आपका जो फैट होता है, जो कैलोरी होता है, वो बहुत तेज़ी से बर्न होता है, जिसकी वजह से हमारा वज़न भी तेज़ी से घटता है। तो आपको रेगुलर करना है बिना स्कीप किए और टाइमर सेट करके 2 मिनट का। सावधानी में क्या रखना है, आपको अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहना है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, इन सब से आपको दूरी बना के रखना है, एकदम से छोड़ना नहीं है। आप हफ्ते हफ्ते में अपने टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे आप खाएंगे तो आपको ये अनहेल्दी फील कराएगा। अगला है ज़्यादा नमक और शुगर खाने से बचिए।
टेस्ट के लिए आप नमक खा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नमक का शुगर का सेवन करोगे तो इससे आपका वजन बढ़ेगा, घटने का नाम नहीं लेगा। और अगला है, खाना कम खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। यानी कि आप खाना एकदम से बंद कर दो, खाना रखो, खाना खाते रहो, लेकिन हाँ हेल्दी चीज़ें खाओ। खाने में सलाद ज़रूर ऐड करो, ग्रीन वेजिटेबल जो होता है जैसे खीरा हो गया, आपका ककड़ी हो गया, इन सबको आपको रेगुलर बेस में सलाद के रूप में आपको खाना है। इससे आपका वज़न जो है बढ़ता नहीं, एकदम मेंटेन रहता है, और अगर आप एक्सरसाइज यूज करते हो तो ये घटता भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।